हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 2021 में अगर आपका YouTube चैनल रीयूज कंटेंट की वजह से मोनेटाइज नहीं हो रहा है तो कैसे आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करेंगे। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ रीयूज कंटेंट वाले YouTube चैनल को कैसे मोनेटाइज किया जाता है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक ईमेल दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूट्यूब की तरफ से मुझे एक ईमेल आया हुआ है 25 अगस्त 2021 को 3:12 में। दोस्तों इस ईमेल में मुझे बताया गया है कि योर चैनल इज नो लॉन्गर एलिजिबल टू मोनेटाइज, मतलब कि हमारा चैनल अब कमाई के योग्य नहीं है, मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें बताया गया है जो कि मेरा चैनल पहले मोनेटाइज था उसे डिसेबल कर दिया गया है, मेरा मोनेटाइजेशन को बंद कर दिया गया है इस ईमेल को आने के बाद। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक मोनेटाइजेशन पेज का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने मोनेटाइजेशन का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनेटाइजेशन पेज में यहां पर बताया गया है कि हमारा चैनल किस वजह से मोनेटाइजेशन डिसेबल किया गया है, बंद किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रीयूज कंटेंट बता करके हमारा चैनल का जो मोनेटाइजेशन है उसे बंद किया गया है। दोस्तों अगर आपके चैनल पर भी रीयूज कंटेंट की वजह से मोनेटाइजेशन बंद हुआ है या आपका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो रहा है, आपका मोनेटाइजेशन चालू नहीं हो रहा है रीयूज कंटेंट की वजह से, तो कैसे आप अपने चैनल को रीयूज कंटेंट वाले यूट्यूब चैनल को आप कैसे मोनेटाइज करेंगे, इस वीडियो में आपको हम स्टेप बाई स्टेप बताएँगे फुल प्रोसेस। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि रीयूज कंटेंट होता क्या है। दोस्तों आपको मैं आसान भाषा में बताना चाहूँगा कि रीयूज कंटेंट वह होता है जैसे कि मैंने अपने चैनल पे कोई वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया, उसी वीडियो को आप डाउनलोड करते हैं और अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, तो वह चैनल पे जो आपने वीडियो अपलोड किया है मेरा वीडियो डाउनलोड करके, वह वीडियो पहले से ही यूट्यूब के सर्वर पर अपलोड है और आप जब अपलोड करते हैं तो सर्वर पर मैच करता है और रीयूज आ जाता है। दोस्तों इस तरीके से अगर आप कोई भी वीडियो आप किसी का कॉपी करके अपलोड करते हैं तो वो रीयूज के अंदर आता है। रीयूज पॉलिसी यह है, पॉलिसी गूगल एडसेंस का पॉलिसी है, अगर आपके किसी भी वीडियो में रीयूज कंटेंट यूज हो जाता है तो वो वहाँ पर जो एडसेंस है आपका वीडियो को मोनेटाइज नहीं करता है, आपका वीडियो का डिसेबल कर देता है मोनेटाइजेशन, इसलिए रीयूज कंटेंट आपको यूज नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट आ गया है ये तो आप समझ गए होंगे कि रीयूज कंटेंट होता क्या है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपके चैनल पे रीयूज कंटेंट आ गया है तो आप कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको साफ साफ यहाँ पर आप ईमेल में देख सकते हैं कि ईमेल में बताया गया है कि रीयूज आने के बाद यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है कि 30 दिन का आपको टाइम मिलता है, आप दोबारा से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 30 दिनों के अंदर अंदर कुछ काम करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है आगे इस वीडियो में हम बताएँगे। दोस्तों यहाँ पर आप जान लीजिए कि अगर आपका भी रीयूज आ गया है आपके चैनल पे, अगर बार बार आ रहा है तब भी आपको क्या करना है आप ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि जब भी आपका चैनल रीयूज की वजह से मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है तो आपका जो चैनल दोबारा से जब रिव्यू में भेजेंगे मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए रीअप्लाई करेंगे तो आपका चैनल बहुत ही गहराई से जाँच पड़ताल की जाती है, इसलिए आपको क्या करना है जिस भी वीडियो पर आपका जितना भी चैनल पर वीडियो अपलोड है सारे वीडियो को आपको 30 दिन का टाइम मिला हुआ है, 30 दिन के अंदर में आपको सारे वीडियो को चेक करना है कि किस वीडियो में आप अपना वीडियो में किसका किसी दूसरे का कंटेंट किसी दूसरे का वीडियो अपने वीडियो में डाल करके अपलोड किए हैं, किस वीडियो में अपलोड किए हैं, जिस भी वीडियो में अगर किसी दूसरे का कंटेंट आपने यूज किया है उस वीडियो को आपको डिलीट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो डिलीट कर देना है, किसी दूसरे का कंटेंट अगर आपने यूज किया है तो उसे आपको डिलीट करना है। यदि आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज करना चाहते हैं विदाउट आपको कंटेंट में मतलब कि रीयूज ना आए तो इसके लिए आपका एक तरीका है, जैसे कि मेरे वीडियो है, अगर आपको मेरे वीडियो का कोई भी क्लिप अच्छा लगता है अपने चैनल पे अपलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे उस क्लिप को आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी करने के बाद आपको क्या करना होगा कि उस वीडियो का जो ऑडियो होता है साउंड होता है उसे म्यूट करके बंद करके आपको उस जगह पर अपना खुद का वैल्यू एड करना होगा, या तो आप अपना वॉइस एड कर सकते हैं या बीच बीच में उस वीडियो में अपना फेस कैम का जो
होता है वीडियो वो आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से करके आप वीडियो अपलोड करेंगे तो 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको रीव्यूज कभी भी नहीं आएगा और आपका चैनल मोनिटाइज भी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अप्लाई करें अपना मोनिटाइजेशन इनेबल करने के लिए कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर आपको यही करना है कि अपने चैनल का जो भी रीव्यूज वाला वीडियो है उसे डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आपको अपने सभी वीडियो का टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन सभी को चेक करना है कि किसी भी टाइटल में आपने कोई गलती तो नहीं की है, कोई डिस्क्रिप्शन आपने गलत तो नहीं लगाया है और टैग गलत तो नहीं लगाया है। ये सारा कुछ आपको चेक करना है कि यूट्यूब के कम्युनिटी जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन तो नहीं करा है। आपका टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन ये सारा कुछ चेक करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्लाइमर आपको लगाना है। डिस्क्लाइमर जो होता है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसे आप कॉपी करके यूज कर सकते हैं। तो वो इस तरह का आपको डिस्क्लाइमर लगा देना है अपने प्रत्येक वीडियो में। और इस तरीके से आपको सारा कुछ करने के बाद आपको दोबारा से अपने चैनल को ओपन करना है यूट्यूब स्टूडियो में। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं कि डॉलर का यहाँ पर आइकन है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने मोनिटाइजेशन का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो भी वीडियो आपने डिलीट किया हुआ है, आपके वीडियो में जो भी था आपका रीयूज कंटेंट, उसे आपको डिलीट करने के बाद यहाँ पर उसका जो वॉच टाइम होता है हट जाता है, काउंट नहीं होता है। उसको डिलीट करने के बाद अगर आपके यूट्यूब चैनल पे 4000 घंटा का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर यहाँ पर हो रहता है तो यहाँ पर आपका सारा कुछ हरा टिक दिखेगा यहाँ पर, और कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक नहीं रहेगा तो यहाँ पर भी आपका हरा टिक रहेगा। और यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को आपको इनेबल कर लेना है अगर नहीं है तो। उसके बाद ये सारा कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीअप्लाई का ऑप्शन आपको दिख जाता है। तो सिंपली यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रीअप्लाई वाले पर, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका चैनल रिव्यू में चला जाता है और जिस दिन आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर डेट मेंशन हो जाता है कि इस तारीख को आपने रिव्यू के लिए भेज दिया है। अब आप रिव्यू में भेजने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंतजार करना है। यहाँ पर आपका चैनल का रिव्यू होगा, यूट्यूब का टीम रिव्यू करेगी आपके चैनल को। रिव्यू करने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ईमेल आता है कि आपका चैनल मोनिटाइजेशन किया गया है या नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यूट्यूब के तरफ से यहाँ पर 27 सितंबर 2021 को 6:47 PM में, मतलब कि शाम को, यहाँ पर एक ईमेल आया हुआ है जिसमें बताया गया है कंग्रेचुलेशन, यू हैव बीन अप्रूव टू ज्वाइन दी YouTube पार्टनर प्रोग्राम। मतलब कि हमारा चैनल फिर से यहाँ पर ज्वाइन हो गया है YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए, मोनिटाइजेशन को इनेबल कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 से 4 दिन का समय लगा है और मेरा चैनल फिर से यहाँ पर मोनिटाइज हो गया है। रीयूज की वजह से रिजेक्ट हुआ था और यहाँ पर मोनिटाइज हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने रीयूज वाले यूट्यूब चैनल को मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपका चैनल 100% इस तरीके से आपका मोनिटाइज हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और कोई भी आपका क्वेश्चन या सवाल हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।